खुशी है, यहाँ की मीडिया के दोस्त भी है। कमिश्नर इकबाल मेमन साहब ग्रास रूट लेवल पर खुद विजिट कर रहे हैं, लियारी हो, कुरंगी हो, औरंगी हो, इस वक्त जितने डिप्टी कमिश्नर है सब एक ऑन बोर्ड पर है, सब एक ग्रुप के तहत काम कर रहे हैं, एक पेज पे काम कर रहे हैं। दूसरी जो आपके डीसी साहब ने जो हमारे लिए हमारी दरखास्त पर एक ऐसा काम किया जो मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं चाहता हूँ कि पजीराई हो और आप लोग भरपूर तालियों में इसकी पजीराई कीजिएगा। सदर में करोड़ों रुपये की एक जायदाद थी जो गुज़्तर 11 साल से बंद पड़ी हुई थी, उस पर लोग कुछ लोगों का कब्जा करने का प्लान था। डिप्टी कमिश्नर साहब को हमने दरखास्त दी, डीसी साहब ने हमारी एक दरखास्त पर ना सिर्फ वो कब्जा खारी करवाया पूरी बिल्डिंग को, और अब एक अच्छी खबर ये है कि डिप्टी कमिश्नर साहब जब एडमिनिस्ट्रेटर थे तो उन्होंने 2 मिलियन रुपीज़ 20 लाख रुपए स्कूल की रेनोवेशन के लिए दिया चंद गली के बाद, इसके नेक्स्ट रोड पे सर जो मिनट के लिए जाएंगे और ये हमारा फर्ज है कि हम शुक्रिया अदा करें। और जैसे आप टीचर्स हैं हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, इस तरह हम अपने टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट का शुक्रिया अदा करते हैं। जस्टिस हेल्पलाइन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इस तरह के स्कूलों पर काम कर रही है। मैं मिस्टर माइकल एडवोकेट साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने सेंट माइकल और जितने स्कूल्स का बोर्ड है उनका भी बोर्ड बनाया और उस बोर्ड की रोशनी में इन टीचरों की ट्रेनिंग भी हम करवाएंगे ताकि इन टीचरों को अपग्रेडेशन हो। तीसरी बात ये कि ये स्कूल जो है लोअर सेकेंडरी है, इसके लिए हमने अब हमारे मंगी साहब आए हुए डायरेक्टर जनरल स्कूल, शुक्रिया सर आपका, इनको भी हमने दरख्वास्त दी है इंशाल्लाह इसको सेकेंडरी लेवल का दर्जा दिलवाना है ताकि सदर के इलाके में कोई सरकारी स्कूल नहीं है जहाँ लोगों को इस तरह का दें सदर का।